गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में पनियाला रोड पर आज पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसको सिविल अस्पताल में भर्ती करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस को मौके से एक बाइक, बैग, तमंचा भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ की सूचना पाते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक्सिस बैंक में 25 लाख की लूट हुई थी, जिसमें मुख्य आरोपी सुखविंदर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आज गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पंजाब में भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका था और पंजाब पुलिस भी काफी लंबे समय से बदमाश की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने लूट की घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। वहीं सीओ रुड़किया का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और फरार चल रहे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैश वैन के में गार्ड को गोली मारकर लूट की घटना को जो अंजाम दिया गया था कुछ अपराधियों के द्वारा, उक्त संबंध में एक अभियुक्त मिंटू उर्फ राजेंद्र वर्मा निवासी झगरेड़ा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि दूसरा अभियुक्त मोनी उर्फ सुखविंदर सिंह सन ऑफ गुरदेव सिंह निवासी लेबर कॉलोनी धूस मोहल्ला लुधियाना आज इस रास्ते से, ये पार्ली गुज्जर पनियाला रास्ते से आने वाला है और कलियर को जाएगा। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर, इंस्पेक्टर गंगनहर और झबरेड़ा थाने की टीम में लगाई गई थी चेकिंग के लिए। दौरान चेकिंग एक सिल्वर कलर की बाइक पुलिस को देखकर, चेकिंग करता हुआ देखकर वापस लौट गई, जिसे घेरने का प्रयास किया गया तो वो उक्त अभियुक्त मोनी उर्फ सुखविंदर सिंह पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए बगीचे की तरफ भागा, जिसमें पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ चलाई गई गोली से वो घायल हो गया है, जिसे अग्रिम उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की रवाना, गंगनहर रवाना किया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट।